मदली महाविनिकेतन कुष्ठ आश्रम में रहता हूँ। मैं यहाँ पीएस कोऑर्डिनेट के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। एनआरए इंडिया की तरफ से ऋतु मैम ने यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य की ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग में हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जाना है। ट्रेनिंग से पहले यहाँ के कुछ लोग आपस में बात नहीं करते थे, जिन्हें हमें पता लगा कि ट्रेनिंग के दौरान ये एक मानसिक अवस्था की स्थिति होती है। हमने ट्रेनिंग में एक दूसरे की मदद करना चाहा। हम मानसिक स्वास्थ्य को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग के द्वारा समझ चुके हैं। बहुत से लोग जो पहले बोला नहीं करते थे, अब हम उनके पास जाकर उनकी मदद करते हैं, उनकी समस्याएं सुलझाने के प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम ये कोशिश करते हैं कि वो आपस में मेलजोल बढ़ाएं, अपने ना बोलने की स्थिति को बल्कि लोगों से मेलजोल बढ़ा करके बोलने की तरफ अग्रसर हो और मानसिक अवसाद को दूर करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग मानसिक अवसाद को दूर करके अपनी पहले जैसी बेहतर ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करें। हम ये बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं इस संस्था के द्वारा साथ मिल करके कि यहाँ के लोग मानसिक अवसाद को दूर करके एक वापस से जो इनके ट्रेनिंग के माध्यम से जो इनका लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो कुछ लोग थे जो पहले ट्रेनिंग से पहले नहीं बोला करते थे, लेकिन हमने ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद ही उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा है, वो अब लोगों से घुल मिलना पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि समय समय पर ऐसी ट्रेनिंग NRL करता रहे, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और जानकारियाँ बताता रहे। मैं NRL संस्था का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू NRL इंडिया।